आज हम लोग माइनक्राफ्ट के पूरे 100 डेज इस छोटी सी राफ्ट पर समुद्र के बीचों बीच बिताने वाले हैं। ये चैलेंज बहुत ही ज्यादा हार्ड होने वाला है क्योंकि इस पूरी दुनिया में ना ही कोई पेड़ है और ना ही कोई मॉब। इस नाव पर तो मैं सिर्फ इन तैरते हुए आइटम्स को पकड़कर ही जिंदा रह सकता हूँ। अब मैं इस जगह पर 100 दिन कैसे काटूंगा आपको तो देखकर ही पता चलेगा। स्पॉन होते ही मेरी इन्वेंटरी में एक फिशिंग रॉड रखी हुई थी और मुझे अपने आसपास इम्पोर्टेंट आइटम्स भी दिख रहे थे, इसलिए मैं काम पर लग गया और चीज़ों को अपनी ओर खींचने लगा। लेकिन ऐसा करने में मुझे बहुत टाइम लग रहा था, इसलिए मैंने बहुत बिग ब्रेन वाली चीज़ करी और सीधे पानी में डुबकी मार ली। तैरते तैरते मुझे एक खोखला ढोलक मिला। इसके अंदर मुझे कुछ मिट्टी, पत्थर, कोयला और कुछ पत्तियां भी मिली। इसके अंदर कुछ खाना तक पड़ा हुआ था यार। इस सब माल में से मैंने सबसे पहले अपनी सारी मिट्टी लगा दी और उसके ऊपर मैंने एक नन्ना मुन्ना सा पेड़ लगा दिया। मेरे पापा। पर यार मुझे बहुत जोरों से खाने की जरूरत थी, इसलिए मैं मछलियों का काम लगाने पानी में आ पड़ा। एनीवेज, जब मैं वापस ऊपर आया तो मेरा पेड़ बड़ा हो चुका था, इसलिए मैंने डिफॉरेस्टेशन करनी शुरू करी। और अब जब लकड़ी का बंदोबस्त हो चुका था, मैं अपने लिए आदि मानव जमाने के औजार बनाने लगा। फिर जब रात हो गई, मैंने अंधेरे की वजह से अपनी राफ्ट पर एक बत्ती लगा दी। उसके बाद मैंने एक और तबले को खोला और उसमें से मुझे अपनी सारी टॉर्चेस बनाने का कैशबैक मिल गया। अभी के लिए तो मैंने अपनी मिट्टी को उलटाया और उसके अंदर मैंने हमारी ताजी गाजरों को उगने लगा दिया। फिर मैं रात में अपनी सारी इकट्ठा लीव्स को सैपलिंग्स के लिए फोड़ने लगा और मुझे प्योर लक से एक लौता ओक का पौधा मिला। अब देखो गाइस, मैं हूँ तो एक छोटा सा चूहा ही, मुझे भी डर लगता है यार। देखो अंधेरे पानी में पता नहीं क्या क्या घूमता होगा। मैं तो भाई अब तमीज से अपने सारे सामान को सॉर्ट कर ले रहा हूँ। मैं फिर राफ्ट के पास की बैरल्स को उठाने लगा और उठाई हुई बैरल्स में मुझे पहली बार लोहा मिला। उनके अंदर कुछ धागे भी पड़े हुए थे जिनको मैं बेड बनाने के लिए वूल में क्राफ्ट करने लगा। एक और बैरल में मुझे डार्क ओक के पौधे भी मिले, प्लस इसके अंदर बहुत सारी मिट्टी पड़ी हुई थी, इसलिए मैं अपने जंगल एरिया को और ज्यादा फैलाने लगा। उसके बाद मेरे पास आइडिया आया कि अगर मेरे राफ्ट के आसपास आइटम स्पॉन होते हैं और मैं इस स्टोन से अपनी राफ्ट को एक्सपेंड करता हूँ तो मुझे और भी ज्यादा आइटम्स मिल सकते हैं। और एक्चुअली मेरा प्लान काम कर गया, अब मुझे पहले से डबल आइटम्स मिल रहे थे। मेरी कुछ मिट्टी भी बची पड़ी थी, इसलिए मैंने हमारे फार्मिंग एरिया को और भी ज्यादा बड़ा करा। फिर मेरा इतने में एक और पेड़ उग गया था जिसके वुड को लेके मैं अपनी राफ्ट को हर डायरेक्शन में बढ़ाने लगा। फिर मैंने कंपोस्टर बना दिया और उसके अंदर मैंने अपनी सारी फालतू की पत्तियां डाल दी। उसके अंदर मुझे थोड़ा सा खाना और डालना पड़ा, लेकिन एंड में जाके मुझे अपना हड्डियों का चूरन मिल गया और उसको मैंने हमारे पेड़ को खिला दिया। मेरे लिए आज की रात खास थी क्योंकि मैंने आज फाइनली जुगाड़ करके एक बिस्तर बना लिया। पर अभी मेरे पास सोने के लिए वक्त नहीं था क्योंकि मुझे रात में एक चूल्हा बनाना था। उसके अंदर मैंने अपने लोहे को पिघला दिया। फिर दिन होते ही मैंने अपने लिए एक नैया तैयार की और पास के टापू के लिए निकल लिया। टापू पे पहुंचकर मुझे एक अंडर वाटर रुइन मिला जो ओवर वाटर था, और जब मैंने उसकी चेस्ट को खोल कर देखा तो तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया, ये बिल्डिंग गई भाड़ में। घर आकर मैंने अपने सेल्फ डिफेंस के लिए एक शील्ड बनाई। फिर मैंने आज रात राफ्ट की शेप को कम्प्लीट किया। उसके बाद मैंने अपने जंगल को शिफ्ट किया और उसके अंदर थोड़े डेंजरस से पेड़ लगाए। जब मैं आइलैंड पर गया था, मैंने वहां से सैंड और गन्ना उठा लिया था और अब मैंने उनका इस्तेमाल करके एक गन्ने की फैक्ट्री खोली। मैं फिर मच्छी मारने लगा जितने में मेरा खतरनाक वाला पेड़ उग गया। Very dangerous! पेड़ का काम लगाने के बाद मुझे एक बैरल मिली और इसके अंदर मुझे ऑब्जीडियन मिला। मुझे उसमें से एक जंगल सैपलिंग भी मिली। फिर आज शाम होते होते मैं आइलैंड्स की तरफ जाने लगा। अपने रास्ते में मुझे एक संकिन शिप मिली। जब मैंने उसके अंदर की चेस्ट को खोल कर देखा तो एटलीस्ट मुझे एक ट्रेजर मैप मिल गई। ओह नो, है स्कैम हो गया यार मेरे साथ। अरे यार, अभी तो मेरे दिल में अंधेरा छा चुका था, लेकिन ये अंधेरा मेरी राफ्ट तक ना ही पहुंचे तो ही सही। और ये चीज मन में रख के मैंने अपनी पूरी नाव को रोशनी की सुविधाएं दी। सुबह होते ही मुझे एक और डूबा हुआ जहाज मिला। उसकी पहली चेस्ट में मुझे फिर से कचरा पत्ती मिली, पर जब मैंने दूसरी चेस्ट को खोल कर देखा मुझे इसमें ठीक ठाक खाने का सामान मिल गया, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंटली मुझे इसके अंदर बैम्बू मिल गया।
मगर आज मैं लूट को घर में रखने की बजाय आइलैंड्स के लिए निकल गया। यहाँ पर मैंने अपनी फैक्ट्री के लिए गन्ना इकट्ठा किया, फिर मुझे एक फटी हुई नाव दिखी जिसमें मुझे मुफ्त में एक रोलेक्स मिल गई। उसके बाद एक्सप्लोर करते करते मुझे एक गुफा मिली, पर इसके अंदर मैंने किसी पागल की तरह सीधे छलांग नहीं मार दी। मैंने एक्चुअली एक चेस्ट बनाई और उसके अंदर अपना सारा फालतू का सामान भर दिया। फिर केव के नीचे जाते हुए मुझे यहाँ पर खूब सारी मिट्टी मिली जिसको मैंने जी भर के अपनी राफ्ट के लिए फोड़ा। मैं केव के मेन लेवल तक पहुंच चुका था और यहाँ पर मुझे काफी सारा कोयला और लोहा मिल रहा था। गुफा से वापस बाहर आकर मैंने अपनी लूट से पूरी झोली भर ली और फिर मैं इस आइलैंड से 9-2-11 हो गया। घर आकर मैंने अपने सारे आयरन को फर्नेस में रख दिया और मैंने अपने गन्ने की फैक्ट्री को अपग्रेड कर लिया और आज मैंने फाइनली अपनी मेन राफ्ट को कंप्लीट किया। उसके बाद अपनी इंपोर्टेड मिट्टी का इस्तेमाल करके मैंने पहले से बहुत बड़ा खेत बनाया और यहाँ पर मैंने अपनी सारी लूटी हुई सब्जियाँ लगा दी। फिर मैंने हमारे फार्म के बाजू में ही हमारा जंगल मूव कर दिया और अगले दिन मैं फिर से लूटपाट मचाने के लिए आइलैंड पर पहुंच गया। मुझे सबसे पहले एक फूटी हुई पोर्टल मिली जिसमें मुझे पहली बार एक अच्छी लूट मिली। इसके अंदर ऑब्जीडियन, फ्लिंट एंड स्टील और एन्चेंटेड गोल्डन टूल्स रखे हुए थे। उसके बाद एक रूइन में मुझे अपना पहला एमराल्ड मिला। मैं फिर इस आइलैंड की पहाड़ी पर चढ़ गया और अब मुझे अपने आसपास के सारे स्ट्रक्चर्स की पोजीशन पता चल चुकी थी और इस संकीन शिप में मुझे पहली बार एक डायमंड मिला। फिर मुझे दूसरी बोट में बहुत सारा आयरन, एमराल्ड और लैपिस मिल गया। एक्सप्लोर करते करते मुझे लग रहा था कि मुझे सीधे डेजर्ट टेंपल मिल गया था, मगर ये तो सिर्फ एक रुइन निकला, लेकिन इसके अंदर मुझे थोड़ा सा गोल्ड मिल गया। रुको जरा, एक्चुअली मुझे इसके पास एक और रुइन मिला जिसके अंदर कुछ गेहूं रखा हुआ था और उसके बाद मुझे पास में एक और रुइन मिला जिससे मुझे हेलमेट तो मिला लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। शाम होते होते एक पोर्टल की चेस्ट में मुझे एक गोल्ड ब्लॉक और गोल्डन एप्पल मिल गया। बताओ यार, विलेजर्स को ठीक करने का आधा सामान इधर ही हो गया। लकीली रात होने से पहले मैंने इस शिप को लूट कर इससे पजामे निकाल लिए। इनको मैंने जल्दी से पहन लिया क्योंकि अभी तक तो मैं नंगा घूम रहा था। अगले दिन मुझे बहुत गंदे तरीके से टूटी हुई नाव मिली। इसको देखकर मुझे शिप के कैप्टन के लिए बहुत दया आई, मगर जैसे ही मैंने इसकी चेस्ट को खोलकर देखा मैं तो हक्का बक्का रह गया। और आखिरी में जब मैंने इस चेस्ट को खोलकर देखा तो वाओ, बस भाई बस, अब मुझसे नहीं होता। घर आकर मैंने वक्त जाया नहीं किया और सीधे अपने लिए डायमंड्स के टूल बना लिए, लेकिन मुझे अभी और डायमंड्स चाहिए थे इसलिए मैंने अपनी नैया के करीब एक पर्सनल गुफा बना दी और यहाँ पर मैंने खुदाई करना शुरू कर दी। जिस केव में मैं एंटर हुआ था उससे एक माइनशाफ्ट कनेक्टेड थी। इसके अंदर मैं चेस्ट को तलाशने लगा जब मुझे दीवार से चिपके हुए 4 डायमंड्स मिले। फिर मैंने यहाँ की चेस्ट को ढूंढने निकाला। इसके अंदर तो मुझे सिर्फ कुछ संतरे और एक बर्थ सर्टिफिकेट मिला। मैंने फिर यहाँ का आखिरी डायमंड निकाला और आगे बढ़ने लगा। डायमंड्स। सलाम अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम। निकल निकल निकल, अरे कोई निकलने दो ना मुझे। मैं उस केव से डायमंड्स चौड़ में जाके तो माइन नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने दीवारों में छुप छुप के मॉन्स्टर के सारे डायमंड चुरा लिए। जब मैं केव से बाहर निकला मेरी जेब में 13 डायमंड्स थे। उनका इस्तेमाल करके मैंने अपने लिए एक तलवार और हीरों की बनियान बनवाई, लेकिन अब मुझे जरूरत थी विलेजर्स की, इसलिए मैं डाकू की तरह रात में एक ज़ॉम्बी विलेजर को उठाने आ गया। ओके भाई, अब तुम अच्छे विलेजर की तरह इस बोट में बैठो। गुड, अब अंदर ही वक्त काटना, ठीक है? ओके, जल्दी से बोट में बैठो अभी। नहीं बैठे तो यहीं पर गंजा कर दूंगा। बस अब कवर करना है, ऑलमोस्ट तुरस निकल गया है आखिरी ब्लॉक। जब तक मैं घर वापस लौट आया तब तक यहाँ पर जंगल के नाम पर अमेज़न रेन फॉरेस्ट रुक चुका था। इसी चक्कर में मुझे अपना पूरा दिन उसे काटने में लगाना पड़ा। अब देखो गाइस, अगर मुझे विलेजर्स को ठीक करना था तो मुझे नेदर में जाने की जरूरत थी। जब मैं नेदर में घुसा तब मुझे पता चला कि मैं दीवार के अंदर किसी छेद में घुसा पड़ा हूँ, इसलिए मैंने खोदना शुरू किया और कुछ ही देर में मैं केसर के दम से भरे हुए जंगल में निकल आया। मैंने यहाँ के पेड़ों के सामान को अपने बीस में लगाने के लिए तोड़ लिया। मैं फिर एक फोर्ट्रेस ढूंढने लगा। जब मुझे जमीन पे पड़ा हुआ सोना मिला, तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। भागते भागते मैं इस अजीब से इलाके में आ गया। यहाँ पर एक बहुत बड़ी आग थी और ये नेदरवासी खड़ा हुआ था, पर जब मैंने आगे बढ़कर देखा तो मेरा सारा अंधविश्वास उठ गया क्योंकि इस गुफा में मशरूम्स लगे हुए थे।
फिर बहुत देर भटकने के बाद मुझे आखिरकार एक नेदर फोर्ट्रेस मिली, इसलिए मैं डायरेक्ट ब्लेज रूम में पहुंच गया। अब जब मेरा सारा काम हो चुका था, मैंने अपने लिए एक केमिस्ट्री का यंत्र बनाया, फिर मैंने मकड़ी की आंख। 2000 years later. Anyways, एंड में मैंने विलेजर्स की दवाई बना दी, ये लो भाई अपनी वैक्सीनेशन और हाँ ये सेब भी खा लो। उसके बाद मैंने दूसरे विलेजर को भी दवाई दे दी और फिर मैं पहले विलेजर को राफ्ट तक ले आया। जब मैं इस विलेजर को भी क्योर करके ले आया, मैंने इन दोनों के लिए घर बना दिया। इन विलेजर्स को नॉर्मल फील कराने के लिए मैंने इनके घर में रोशनी लगाई और उसके ऊपर मॉस कारपेट बिछा दिया। मैंने उनकी यहीं पर दावत करी और उनकी अरेंज मैरिज करवा दी। अगले दिन जब मैं पेड़ों को काट रहा था, तब मेरे दिमाग में मास्टर प्लान आया कि मैं तोड़े बिना इन पत्तियों को कंपोस्टर में डालूं तो मुझे कितना फायदा होगा। और इस चीज को सच करने के लिए मैंने एक ऑटोमेटिक कंपोस्टर फार्म बना दिया। मैं फिर अपने आर्मरर को डायमंड आर्मर के लिए अपग्रेड करने लगा। मैंने अपने सारे वुड का इस्तेमाल करके स्टिक्स बनाई, जिनको मैंने अपने फ्लेचर को बेच दिया। इन एमराल्ड्स का इस्तेमाल करके मैंने अपने विलेजर्स के लिए एक घंटी खरीदी। फिर जब इनके लड़के बड़े होने लगे, मैं इनको एन्चेंटमेंट्स के लिए लाइब्रेरियन बनाने लगा। मैं अभी एफिशिएंसी 5 को लाने की कोशिश कर रहा था, पर मुझे मेंडिंग मिल गई जिससे मैं अभी के लिए खुश था। आज मैंने अपने आर्मरर से इतनी ट्रेडिंग कर ली थी कि वो मुझे डायमंड आर्मर बेचने लगा। मैंने अपने पूरे सेट को अभी ही इमीडिएटली खरीद लिया। फिर जब मेरा एक और विलेजर बड़ा हो गया, मैं उसे एफिशिएंसी की ट्रेड लेने के लिए कोशिश करने लगा। और आज मैं हद से ज्यादा खुशकिस्मत था, क्योंकि सिर्फ तीसरी बार में वो लाइब्रेरियन बाद आ गया। मैंने फिर इसको अपनी डायमंड एक्स में लगाया और उसका नाम मुन्नी रख दिया। मैंने फिर उसमें मेंडिंग भी लगा दी ताकि कभी मुन्नी बदनाम ना हो सके। दिन में मुझे अपनी रात में मंदराती हुई एक बिल्ली मिली। अब देखो गाइस, ये बिल्ली तो पानी में से ही आई हो सकती है, इसलिए ये एक जलपरी ही होगी। अब मैं अपनी राफ्ट को और अच्छे से एडजस्ट करने के लिए उसको फैलाने लगा। एंड में मैंने उसकी साइज को 4 गुना ज्यादा बढ़ा दिया। फिर मैं शिफ्ट करने के लिए अपनी राफ्ट से सारी चीजें हटाने लगा। उसके बाद मैंने पूरी रात हमारी मेहनत से बने हुए विलेज को तोड़ने में बिताई। और जब मेरी मेन राफ्ट पूरी साफ हो चुकी थी, मैंने अपने लिए एक बहुत डेंजरस बेस बनाया। मैंने फिर हमारे सारे पीसेस को ब्रिज से कनेक्ट किया। फिर मैंने ट्रायंगल्स के अंदर अपना पूरा फार्म मूव कर दिया और दोनों सर्कल्स के अंदर मैं विलेजर्स के लिए घर बनाने लगा। उसके बाद मैंने हमारी नेदर पोर्टल को अपग्रेड किया और मैंने हमारी मेन राफ्ट के शेप को भी और अच्छा किया। मैंने इस पर एक मेगा साइज का पाल्म ट्री भी बना दिया। उसके बाद मैंने हमारे आइलैंड्स की चारों ओर जंगल बना दिए। पूरी राफ्ट कंप्लीट करने के बाद मैं हमारे डॉग साहब से एंडर पर्ल्स के लिए ट्रेडिंग करने लगा, जिनको मैंने आईज ऑफ एंडर में कन्वर्ट कर दिया। अब आर्मर तो लगी ही हुई थी, वक्त काय को बर्बाद करना, सीधे अड्डे पहुंचते हैं। अब स्ट्रॉन्गहोल्ड तक पहुंचने के लिए मुझे 7 समंदर पार करने पड़े, लेकिन अंत में मैं अपने गोल तक पहुंच ही गया। अंदर आकर मैंने मेन पोर्टल रूम को जल्दी से ढूंढ निकाला। फिर सोचे ही बिना मैंने सारे कंचे लगा दिए और सीधे पोर्टल में छलांग मार दी। एंड में आते ही मैंने चितंदर के सारे हीरों के अंदर आग लगा दी। जब तक चितंदर ने मुझसे भागने शुरू किया, तब तक उसकी भैंस पानी में डूब ही चुकी थी और मैं फुल स्पीड से उसका पीछा करने लगा। तारों तक पहुंचने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पर ड्रैगन ने मुझसे बचने के लिए एक इनविजिबल वॉल बना रखी थी, पर इसको ये नहीं पता था कि मैं कितना बड़ा है करूँ। मुझे जाने दीजिए। नहीं, लेकिन मेरा यहाँ का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। मुझे अपने लिए पंखड़ियाँ चाहिए और खाली हाथों में घर वापस नहीं लौटने वाला। मैं बहुत ही लकी था और मुझे अपने स्पॉन के पास ही एंड शिप वाली सिटी मिल गई। यहाँ से मुझे फाइनली अपने पंख मिल गए। मैंने शिप से चितंदर का सिर भी चोरी कर लिया। अब जब मेरा यहाँ का काम पूरा हो चुका था, मैं वापस राफ्ट लौट आया और हवा की सैर करते हुए मैंने हमारी राफ्ट को एक आखिरी बार देखा।